2007 में एक इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स विश्व के एक प्राचीन शहर का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने सैटेलाइट फोटोग्राफ्स और मॉडर्न एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये निष्कर्ष निकाला कि ये शहर प्री इंडस्ट्रियल एरा का विश्व का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर करीबन करीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ था और इस शहर में करीब 1 मिलियन लोग रहते थे। इस शहर के ठीक बीचों बीच एक धार्मिक स्थल है। ये धार्मिक स्थल भी लैंड एरिया वाइज विश्व में किसी भी धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। ये धार्मिक स्थल भी 162.6 हेक्टर्स में बना हुआ है। और अब आती है चौंकाने वाली बात, ये धार्मिक स्थल एक हिंदू मंदिर है और ये प्री इंडस्ट्रियल एरा का सबसे बड़ा शहर भी एक हिंदू राज्य की राजधानी था। और अब आती है इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात कि ये राज्य या ये मंदिर भारत में नहीं है। शौक लगा? हो सकता है आप में से कुछ व्यूवर्स ने शायद ये सही गैस कर लिया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एंगोर वाट मंदिर की, और ये खमेर राज्य के राजधानी एंगकॉर के ठीक बीच में बना हुआ है। एंगकॉर को उस समय यशोधरपुर बुलाया जाता था, और एंगकॉर शब्द खुद भी हिंदी शब्द नगर से बना है। तो आखिर भारत से इतना दूर ये राज्य इतना प्रमुख हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया और इसने इतना भव्य मंदिर कैसे बना दिया? कहते हैं खमेर राज्य अपने समय में रोमन राज्य बाइजेंटीन एम्पायर से भी बड़ा था। तो आखिर हिंदू धर्म भारत से इतना दूर एक राज्य में कैसे पहुंचा? ये राज्य इतना बड़ा कैसे हुआ और कैसे निर्माण हुआ विश्व के सबसे बड़े मंदिर का? इन सब की कहानी मैं आज के एपिसोड में आपको सुनाने वाला हूं। और फिर इस एपिसोड के अंत में मैं आपको इस खमेर राज्य और भारत के एक प्रमुख राज्य के बीच के रिश्ते की कहानी भी सुनाऊंगा, जो बहुत मजेदार कहानी है। इसलिए ये एपिसोड अंत तक देखते रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 21 ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। खमेर एम्पायर की शुरुआत मानी जाती है 802 एडी से, जब इस एम्पायर के फाउंडिंग राजा जयवर्मन टू का एक भव्य राज्य अभिषेक होता है महेंद्र पर्वत पर। महेंद्र पर्वत एक खास पवित्र पर्वत था जिस पर खमेर राज्य की पहली राजधानी बनी थी। इस राज्य अभिषेक के दौरान जयवर्मन टू अपने आप को देव राजा और चक्रवर्ती सम्राट घोषित करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन दोनों शब्द देव राजा और चक्रवर्ती के बारे में बताता हूं, क्योंकि इन्हीं दोनों उपाधियों की मदद से खमेर राज्य बनवा पाया विश्व की सबसे बड़ी राजधानी और निर्माण कर पाया विश्व के सबसे बड़े मंदिर का। चक्रवर्ती शब्द आपने पहले भी सुना होगा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत, जिनके बारे में मैंने इस एपिसोड में बताया है। चक्रवर्ती का अर्थ होता है आइडियल यूनिवर्सल रूलर, और चक्रवर्ती शब्द का अर्थ होता है वन हुज व्हील्स आर मूविंग। यहां व्हील माने धर्म चक्र या कोणार्क मंदिर का व्हील, यानी कि ये राजा पूरे विश्व के राजा बनने के लायक है धर्म की दृष्टि से। बौद्ध धर्म में चक्रवर्ती को बुद्ध के समान माना गया है और हिंदू धर्म में पूरे पृथ्वी के राजा जैसा शक्तिशाली माना गया है। इसी चक्रवर्ती के कॉन्सेप्ट से बाद में निकला कॉन्सेप्ट ऑफ देव राजा, यानी कि वो राजा जो देवों के समान है, जो कि भगवान का रूप है या भगवान का चुना हुआ अवतार है। इसलिए धीरे धीरे जब खमेर के राजा जंग जीतने लगे और अपने राज्य को बढ़ाने लगे तो जनता की नजर में वो भगवान रूपी होते चले गए। राजा अपने रिफॉर्म से प्रजा का दिल जीतने लगा था। उन्होंने हिंदू रिचुअल्स, महेंद्र पर्वत पर राज्य अभिषेक, इन जैसी चीजों से भी जनता पर अपना प्रभाव बनाया था, और इन सब का परिणाम यह रहा कि लोग उन्हें देव राजा मानने लगे थे और एक जील के साथ अपने राजा के लिए काम करने लगे थे। और रिसर्चर्स का कहना है कि शायद यही प्रमुख वजह थी कि खमेर राज्य की जनता ने इतने भव्य मंदिर और शहर का निर्माण कर दिया। मगर ये भव्य निर्माण खाली जनता के बिलीफ की वजह से ही नहीं थे, बल्कि खमेर राज्य की साइंटिफिक प्लानिंग भी इतनी अच्छी थी कि वो इतना बड़ा राज्य बना पाए। खमेर राजा अपने एरिया की ज्योग्राफी को अच्छे से समझ गए थे। खमेर राज्य आज के कंबोडिया के नाम से एक देश बन गया है साउथ ईस्ट एशिया में। कंबोडिया का पुराना नाम था कंबोज देश, और फ्रेंच में इसे कैम्बोज बुलाया जाने लगा, और फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना कंबोडिया। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है खमेर। पॉपुलेशन का मेजर एथनिक ग्रुप है खमेर।
और इस देश के फ्लैग पर है एंगोर वाट का चित्र और ऑफिशियल स्क्रिप्ट भी है खमेर, जो कि साउथ इंडिया की तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली है। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर। कंबोडिया में आज भी ज्योग्राफी की नज़र से एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कंबोडिया में 6 महीने ज़बरदस्त बारिश होती है मानसून की वजह से, और बाकी 6 महीने ज़बरदस्त सूखा पड़ता है। इसलिए इस देश के प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण था पानी का मैनेजमेंट, क्योंकि पानी के मैनेजमेंट से ही चावल की खेती हो सकती थी और उसी से एक बड़ी जनसंख्या का पेट भर सकता था, या मैं यूं कहूं कि एक बड़ी जनसंख्या संभाली जा सकती थी और विकास किया जा सकता था। और इसी पे देखने को मिलता है खमेर राजाओं का दिमाग और उनकी प्लानिंग। खमेर राजाओं ने एक मैसिव प्रोजेक्ट बनाया रिजर्वॉयर्स एंड कैनाल्स का। आज जब रिसर्चर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर एरियल व्यू लेते हैं एंकोर का, तब उन्हें दिखता है ये मैसिव प्रोजेक्ट एंकोर का। एंकोर के बाहर चारों ओर बड़े बड़े रिजर्वॉयर बनाए गए थे जिनमें बारिश के समय पानी इकट्ठा किया जाता था। इनमें से सबसे प्रमुख रिजर्वॉयर का नाम था यशोधरा टंका, जिसे आज ईस्ट बराय कहा जाता है। और सूखे के समय इन रिजर्वॉयर से पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था चावल के खेतों में, ताकि 12 महीने चावल की खेती की जा सके। ये सब किया जाता था बड़ी बड़ी कैनाल से। ये पूरी प्लानिंग एंकोर शहर के चारों तरफ की गई थी और सभी कैनाल्स और रास्ते रेक्टेंगुलर फैशन में बनाए गए थे, ठीक हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरह। इसी वजह से एंकोर एक मैसिव मैसिव शहर बना, और वेनिस की तरह शहर का कुछ हिस्सा पानी पर भी बना था। ये वाकई बहुत सुंदर नज़ारा होगा। अगर आप इसका एनिमेटेड रूपांतरण देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 नेशनल ज्योग्राफी के डॉक्यूमेंट्रीज के लिंक डाले हैं, आप खुद देख सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्रीज में ये सब बातें बताई हैं। अब मैं ज़रा संक्षिप्त में बात करता हूँ खमेर राजाओं की पीढ़ी और खमेर राज्य के इतिहास की टाइमलाइन की। ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है और बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने बताया था, खमेर राज्य की शुरुआत होती है 802 एडी से, जब इस एम्पायर के फाउंडिंग राजा जयवर्मन टू का एक भव्य राज्यभिषेक होता है महेंद्र पर्वत पर। महेंद्र पर्वत को अब फिनोम कुलैन कहा जाता है, यानी कि कुलैन पर्वत। इसके बाद उन्होंने उत्तर की दिशा में राजाओं को जंग में हराया, अपने राज्य को बढ़ा के उन्होंने नई राजधानी बनाई हरिहरल्या। जयवर्मन टू के बाद आते हैं जयवर्मन थ्री, और उनके बाद आते हैं इंद्रवर्मन वन। इंद्रवर्मन वन भी कंबोज की सीमाएं बढ़ाते हैं, मगर जंग की बजाय ट्रेड और खेती से। ये हरिहरल में नंदी का एक भव्य मंदिर बनाते हैं, जिसे आज प्री को टेम्पल के नाम से जाना जाता है, और ये एक भव्य शिव मंदिर भी बनाते हैं, जिसे आज बेकोंग नाम से जाना जाता है। बेकोंग काफ़ी कुछ इंडोनेशिया के बोरोबुडूर मंदिर जैसा दिखता है। बोरोबुडूर बुद्ध धर्म का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है इंडोनेशिया में। इंद्रवर्मन वन के बाद आते हैं यशोवर्मन वन, और यशोवर्मन वन अब पहाड़ों को छोड़कर प्लेन्स में आते हैं और एक नई राजधानी बनाते हैं यशोधरापुर, जिसे अब एंकोर बुलाया जाता है। यशोवर्मन वन बनाते हैं यशोधरा टांका, जी हाँ वही द ग्रेट रिजर्वॉयर, जिसे अब ईस्ट बराय कहा जाता है। ये टंका यानी कि रिजर्वॉयर 7.1 किलोमीटर लंबा था और 1.7 किलोमीटर चौड़ा। इनके बाद प्रमुख राजा आते हैं राजेंद्र वर्मन टू। इन्होंने ईस्ट मेबॉर्न और प्री रूप नामक 2 मंदिर बनवाए थे। ये दोनों शिव के मंदिर हैं और ये यशोधरा टंका के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं जयवर्मन फिफ्थ। जयवर्मन फिफ्थ के समय कहते हैं प्रदेश में कल्चरल प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। इनके कोर्ट में फिलोसफर्स, स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, ये सब रहा करते थे। इनके बाद प्रमुख राजा आते हैं सूर्यवर्मन फर्स्ट। सूर्यवर्मन फर्स्ट के समय खमेर राज्य की लड़ाई होती है ताम्रलिंग राज्य से। ताम्रलिंग, ताम्र माने कॉपर। ताम्रलिंग राज्य थाईलैंड में स्थित एक राज्य था। इस लड़ाई में सूर्यवर्मन फर्स्ट मदद मांगने जाते हैं भारत के दक्षिण के राज्य चोला किंगडम के राजा राजेंद्र चोला वन के पास, और फिर एक बड़ी जंग होती है। इस जंग में एक तरफ होते हैं खमेर और चोला राज्य, और दूसरी तरफ ताम्रलिंग और श्री विजया राज्य। श्री विजया इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप का एक शक्तिशाली राज्य था। इस लड़ाई में खमेर और चोला राज्य की विजय होती है, और सूर्यवर्मन फर्स्ट राजेंद्र चोला के लिए एक गिफ्ट भेजते हैं, एक रथ, चैरियट। सूर्यवर्मन फर्स्ट के बाद आते हैं उदय आदित्य वर्मन टू। उदय आदित्य वर्मन टू के काल में पूरा होता है वेस्ट बराय,
एंगकॉर का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्वायर, वेस्ट पराया इंसानी हाथों से बना विश्व का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर है। ये 7.8 किलोमीटर लंबा है और 2.1 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें 14 बिलियन गैलन पानी आ सकता है। इसके बाद आते हैं खमेर इतिहास के सबसे बड़े राजा सूर्यवर्मन टू, जिन्होंने 37 साल में ही बना दिया विश्व का सबसे बड़ा मंदिर एंगकॉर वाट। वाट माने मंदिर। एंगकॉर का यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित था। अभी तक इनसे सब पहले बने सारे मंदिर शिव भगवान के थे, लेकिन एंगकॉर विष्णु भगवान को समर्पित। इनके बाद आते हैं जयवर्मन 7, जिनके राज्य में खमेर राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमाओं तक जाता है। ये बौद्ध धर्म अपनाते हैं और अपनी पुरानी राजधानी का नया नाम रखते हैं एंगकॉर थॉम। ये बाद में कुछ बौद्ध मंदिर भी बनवाते हैं। इनके बाद आते हैं खमेर एम्पायर के आखिरी प्रमुख राजा जयवर्मन 8। जयवर्मन 8 फिर से राज्य में हिंदू धर्म लाते हैं। जयवर्मन 8 को उनके दामाद श्रीधरा वर्मन गद्दी से हटाकर खुद राजा बन जाते हैं और वो थेरवाड़ा बुद्धिज्म अपनाते हैं। और इसके बाद खमेर राज्य का धीरे धीरे पतन होता चला जाता है। खमेर राज्य खत्म होने के कई कारण बताए गए हैं, जिसमें प्रमुख कारण बताया गया है खमेर राज्य का हिंदू धर्म छोड़ के थेरवाड़ा बुद्धिज्म अपनाना। शोधकर्ताओं का कहना है कि बात खाली धर्म की ही नहीं थी, बल्कि इस बदलाव से लोग अब राजाओं को देवों का रूप नहीं मान रहे थे। हिंदू राजाओं द्वारा बनाए गए कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हिंदू मंदिर, कैनाल्स, रिजर्वॉयर्स, कैनाल नेटवर्क को आने वाले राजाओं ने नहीं संभाला और ये खराब हो गए। इनके खराब होते ही चावल की खेती प्रभावित हुई और फिर पूरे राज्य की पूरी व्यवस्था ही बिगड़ गई। इसके अलावा कुछ और भी कारण थे, जैसे कि राजकुमारों के बीच गद्दी को लेकर लड़ाई, सिविल रिवॉल्ट, नज़दीकी राज्यों से जंग, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं, खासकर एक बहुत ही लंबा अकाल यानी कि ड्रॉट। अब बात करते हैं एंगकॉर वाट मंदिर की। ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। इस मंदिर की बाहरी दीवार 1024 मीटर यानी कि करीब 1 किलोमीटर लंबी है, 802 मीटर चौड़ी है और 15 फीट ऊंची है। इस दीवार के बाहर चारों दिशा में एक गहरे पानी की तालाब है, जिसे कि पुराने किलों में बनाया जाता था और इसे इंग्लिश में मोट कहा जाता है। अंदर वाले मंदिर की मुख्य दीवार 332 मीटर लंबी और 250 मीटर चौड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर की हर दीवार पर रामायण, महाभारत और हिंदू धर्म की प्रमुख घटनाएं, जैसे कि समुद्र मंथन, देवों और राक्षसों का युद्ध आदि की रचनाएं दीवारों पर गुदी हुई है। इसके अलावा जहां टी अक्षर लिखा है वहां टॉवर है और जहां जी लिखा है वहां गोपुरम है। गोपुरम यानी गेट। गोपुरम दक्षिण भारत में पाए जाने वाले मंदिरों के भव्य दरवाजे होते हैं। इनके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप ये एपिसोड देख सकते हैं मेरा। इस मंदिर में दो पुस्तकालय यानी कि दो लाइब्रेरीज भी थी, जिन्हें इस चित्र में एल शब्द से दर्शाया गया है। इन्हीं सब चीजों को अब आप असली तस्वीर में भी देख सकते हैं। मंदिर के बीच में 5 टॉवर्स हैं, जिसमें बीच वाले टॉवर में गर्भगृह है, जिसमें 8 भुजा वाले विष्णु जी की मूर्ति है। इस गर्भगृह पर जो शिखर है वो मेरु पर्वत को दर्शाता है। शिखर, अमलक, गर्भगृह, मंडप, परिदक्षिणा पथ, इन सब के बारे में जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। कहते हैं पूरे एंगकॉर वाट मंदिर के कंस्ट्रक्शन को 37 साल लगे थे, जिसमें 3 लाख लेबर और 6,000 हाथियों ने काम किया था। ये पूरा मंदिर 5 मिलियन टन सैंडस्टोन से बना था, इसलिए इस पूरे मंदिर में काफी जगह सुंदर कार्विंग है, हिंदू धर्म की कार्विंग्स। और ये सारा सैंडस्टोन पवित्र महेंद्र पर्वत से आया था, जो कि एंगकॉर से 50 किलोमीटर दूर है। ये बड़े बड़े सैंडस्टोन पत्थर, कहते हैं, कैनाल्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके मंगवाए गए थे। अब आते हैं उस मजेदार और हैरतअंगेज कहानी पर जो मैंने आपको इस एपिसोड के शुरू में प्रॉमिस की थी। ये कहानी है भारत और कंबोडिया के रिश्ते की। ये कहानी दो भागों में है। पहला भाग कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मगर कंबोडिया की पौराणिक कथाओं यानी कि ओल्ड फोकलोर में है, जो कि ये बताता है कि हजारों साल पहले कंबोडिया प्रदेश पर एक पहाड़ी योद्धा रानी राज करती थी, जिसका नाम था मेरो। खंबुज राजा, जो कि भारत के एक हिंदू राजा थे, कंबोडिया की इस रानी से लोहा लेने गए और उन्होंने ना सिर्फ मेरो को लड़ाई में हराया, बल्कि मेरो रानी का दिल भी जीत लिया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली
और राज्य का नाम रखा गया खम्बुज देश, और वहां के रहने वाले लोगों को बुलाया गया खमेर। खम्बुज देश से बना खम्बुज, और फिर कंपूचिया, और फिर कंबोडिया। खम्बुज देश के लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया था और विष्णु उनके प्रमुख भगवान बने थे। इसके कई साल बाद खम्बुज देश में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ और उनकी पुत्री ने राज्यभार संभाला, मगर पुत्री के राज्यभार संभालते ही मंत्रियों ने विद्रोह कर दिया और पूरे प्रदेश में जंग छिड़ गई। खम्बुज देश का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी राज्य था चंपा, और चंपा ने भी इस मौके का फायदा उठाकर जंग में उतर गया। लेकिन इस जंग में अंत में जीता दक्षिणी भारत में स्थित पल्लव देश का राजा सिम्हा विष्णु वर्मन का भाई भीमा वर्मन। भीमा वहां चंपा को हराने और उस साहसी रानी से शादी करने गया था जिसने इतने बड़े खम्बुज देश को संभालने की हिम्मत दिखाई थी। हो सकता है कि वो रानी के कहने पर वहां गया हो, जो भी हो, लेकिन इसके बाद भीम वर्मन बनता है कंबोडिया का राजा और आने वाले हिंदू राजाओं के नाम के पीछे लग जाता है सफिक्स वर्मन। अब जो मैं इस कहानी का दूसरा भाग सुनाने वाला हूं, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है पल्लव देश के इतिहास में। बात है 731 CE, पल्लव देश के राजा परमेश वर्मन का निधन होता है। उनका भी कोई वंशज नहीं होता। अगले राजा की दुविधा को सुलझाने के लिए पल्लव देश के प्रधानमंत्री खम्बुज देश से निवेदन करते हैं कि उनके किसी पुत्र को भारत भेजे ताकि वो पल्लव देश का राजा बन सके। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि भीमा वर्मन पल्लव देश के राजा परिवार से थे और उनके अंदर रॉयल ब्लड था पल्लव देश का, और खम्बुज देश में उन्हीं का रॉयल ब्लड चल रहा था। उनकी इस रिक्वेस्ट पर खम्बुज देश के राजा अपने सबसे छोटे बेटे पल्लवा मल्ला को भारत भेजते हैं। पल्लवा मल्ला पल्लव देश के राजा बनते हैं और उनका नया नाम रखा जाता है नंदीवर्मन टू। शुरू में नंदीवर्मन टू को बहुत दिक्कतें आती हैं, मगर प्रजा और मंत्रियों की मदद से न सिर्फ वो प्रदेश को संभालते हैं बल्कि जंग जीतकर तमिल कलम भी अपने राज्य में जोड़ते हैं। नंदीवर्मन टू कला, साहित्य, कविता और मंदिर निर्माण में रुचि रखते थे, और उनके राज्य काल में बना कांचीपुरम का वैकुंठ परुमल टेम्पल और नागरकोइल केरला में दुर्गा माता मंदिर। तो ये थी कहानी कि कैसे एक भारतीय राजा भीमा वर्मन कंबोडिया का राजा बना और कैसे एक कंबोडियन नंदीवर्मन टू भारतीय राजा बना। ये कहानी मैंने जर्नल ऑफ एशियन आर्ट्स कल्चर एंड लिटरेचर में प्रकाशित एक आर्टिकल से ली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसी बात के साथ मैं अक्षय कपूर आपसे विदा लेता हूँ। मुझे इतने धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और अब हम सभी सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गए हैं, आप वहां भी मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।